सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका विलास फिर से हाजिर है न्यू ब्रांड एपिसोड के साथ। तो गाइस यार, जैसा कि आप सब जानते हो, TH11 की सीरीज में हम लोग बहुत ही बेहतरीन एंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं और डे बाई डे हम लोग आप एपिसोड आप लोग को दे रहे हैं। बाकी यार गाइस, अगर आप लोग एपिसोड नहीं देख रहे हो, पिछला एपिसोड नहीं चेकआउट किया, तो जाके चेकआउट करो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो गाइस यार, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या अपग्रेड करने वाले हैं और क्या चीजें लगाने वाले, उसी सब चीज के बारे में बात करने वाले। तो फिलहाल यार गाइस, आप लोग को मैं सिंपल सी लॉजिक दिखाने वाला हूं। यहां पे आप लोग कहोगे यार बिल्डर, मतलब बिल्डर तो खाली ही नहीं, तो आज विलव्स भाई लगाओगे क्या? तो यस गाइस, आज मैं कुछ लगाने वाला नहीं हूं, बस आप लोग को छोटी मोटी थोड़ी टिप्स देने वाला हूं। एंड गाइस यार, अगर आप लोग यूज कर लोगे वो चीज TH11 पे, तो दिस इज द परफेक्ट। तो सबसे पहला एक मैं अटैकिंग के लिए बताऊंगा, दूसरा आप लोग को हीरोज अपग्रेड करने का टेक्निक बताऊंगा। तो देखो यार, हीरोज आप लोग ना बड़े लेवल पे अगर आप जाते हो, तो सबसे पहला हीरोज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप हीरोज अपग्रेड करते हो, तो हीरोज अपग्रेड करने के लिए यार सबसे पहली चीज आप लोग ने, यार बहुत सारे लोग बिल्डर एंड हीरोज हीरोज पोर्शन जो यूज होती है, जो कि बिल्डर वाली ये वाली पोर्शन यूज करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, इसको मत यूज किया करो। एंड सॉरी, इसको यूज किया करो, इसको मत यूज किया करो। एंड बाई हीरोज ऑफ हैमर ऑफ हीरोज, ये मत यूज किया करो मेडल से। अगर आपके पास मेडल है, तो मेडल से आप लोग या सीधा मेडल से आप आकर यहाँ पे बिल्डर पोर्शन कर दो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिल्डर पोर्शन कर दोगे तो आपका 5 बिल्डर आप खरीद सकते हो मेडल में, मात्र कितना 120 में आप 5 मेडल खरीद सकते हो। दूसरी चीज, आप उसके साथ आप इसमें खरीदोगे, इसको खरीदोगे तो आप कितना पड़ेगा भाई, आप ये पड़ेगा आपका 165 मेडल में, तो कहीं यार आपका महंगा पड़ रहा है। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप ये खरीदे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड यार गाइज, आप देखो यार, वो खरीदोगे तो कहोगे भाई आपको उसमें तो भाई ब्लैक बूथ भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाती है और एक झटके में खत्म हो जाता है, ठीक है मानता हूं। बट यार कहीं ना कहीं हद तक आप ये देखो तो उस पे आप एक ही हीरोज को अपग्रेड कर पाते हो। बाकी यार बिल्डर पोर्शन का अगर आप तीनों हीरोज को लगाते हो, तीनों पे मारते हो, तो अगर आपका भाई 5 बिल्डर मारते हो तो मतलब 50 घंटा मतलब कि आपका 2 दिन 6, 7 या 12 घंटे जो भी मान लो, 2 दिन 12 घंटे या 6 घंटे जो भी इनफ आपका 12 घंटे होंगे, ठीक है 2 दिन 12 घंटे माइनस जाएंगे, जिसमें गाइस यार आपके लिए यार प्लस है। बाकी यार सारे ड्रैगन, अगर ड्रैगन बोलो सारे हीरोज की अगर आप लोग देखो अपग्रेडिंग एंड टाइमिंग, तो भाई देख रहे हो 3 दिन 12 घंटे मैक्सिमम, 1 दिन बचेगा तो 1 दिन यार आप वेट कर लो, 1 दिन में आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके हीरोज बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होंगे। बात करते हैं अब यार गाइज आप लोग को वॉर लीग में, वॉर लीग के टाइम यार गाइज अब इस बार वॉर लीग में आप लोग हीरोज लगा लेना, क्योंकि यार गाइज आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे आप लोग को न्यूज में एंड जो कि दिखाया गया है अनलिमिटेड हीरोज, मतलब 30 दिन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो हीरोज को बैठा कर भी, कहीं भी किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है तो ये बेटर चीज है। दूसरी चीज, अगर आप लोग ने इसका वीडियो नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। सो गाइज यार, अब बात करते हैं एक प्यारा सा टैग के बारे में। जैसा कि गाइज आप लोग तो ये तो मेरा देखते हो, ये मतलब मेरा क्लासिक एंड मेरा मतलब फिक्स है ये अटैक की शजी। बट यार इसके अलावा मैं बेस्ट अटैक की शजी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा वॉर में हुआ था। एंड यार गाइज, वॉर मेरा एंड हो चुकी है, बट मैं आप लोग को वॉर का एंड एक प्यारा सा क्लासिक अटैक दिखाता हूँ, जिसको मैंने अटैक किया था भाई दिस इज अमेजिंग परफॉर्मेंस की द्वारा। एंड यार गाइज, यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरा ये गया और यहाँ माई टीम गई और 11 एंड बिलव्स वाला ये गया और नंबर 1 अटैक, जो कि भाई मैं दिखाता हूँ आप लोग को भाई इसमें जो परफॉर्मेंस हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये भाई 12 का फुल मैक्स आउट बेस है, फुल मैक्स आउट। एंड यार इसमें हम लोग भाई एंड ब्लीम यूज किया गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हो ब्लीम, यहाँ पे ब्लीम और लावा यूज किया हूँ, दिस इज अ परफेक्ट। एंड ब्लीम और लावा यूज करने में हम लोग रखे क्या है, एंड सुपर एंड विजार्ड और भाई सुपर एंड अर्चर, जो कि भाई बहुत अच्छी कॉम्बो है। एंड वैल्यू देखो कितना अच्छा निकालेगी, एंड मुझे बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा, ये देखो ये भाई, ये देखो भाई TH भी मिला एंड भाई मुझे इन्फानो भी मिल जाता, बट यार क्या करूं एंड इनविजिबल खत्म हो गई थी, बट कोई टेंशन नहीं था भाई, मुझे बहुत अच्छा वैल्यू था, मैंने बहुत अच्छा एंड निकाला। फिर उसके बाद मैंने छोड़ा भाई यहाँ राइट साइड एंड यहाँ पे अपना 9 o'clock से एक इलेक्ट्रो, जो कि भाई बहुत अच्छा फनल बनाए। उसके बाद यहाँ से मैं सारे के सारे ट्रूप्स एंड ड्रॉप करूंगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पेक्का मैंने ड्रॉप किया, बारबेरियन आइस गोलम एंड सब कुछ डालने के बाद पीछे से क्वीन डाल के वार्डन डाल के मैंने छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे सिंगल इन्फानो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो इसके लिए मैंने बारबेरियन की एबिलिटी मारी और भाई सीधा अंदर की ओर चला गया। भाई अंदर जाने के बाद यार जो परफॉर्मेंस हो रहा था मेरे साथ एंड मेरे ट्रूप के द्वारा, मैं तो बहुत ही खुश था, मुझे लग रहा था कि मैं एज अ 3-star निकाल लूंगा। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि भाई टाइम ऑफ भी हो सकता है, बट रियली
ये अटैक स्ट्रेटजी, दिस इज द परफेक्ट अटैक स्ट्रेटजी। और इस मालूम है स्ट्रेटजी से आप लोग किसी भी 12 के बेस को आराम से इजिली 3 स्टार निकाल सकते हो। सो गाइस यार देख सकते हो मैंने भाई बहुत इजी तरीके से इस पे एंटर निकाला था, बट यार लास्ट टाइम आप लोग खुद ही देखो क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पे देखो बूम, सारे के सारे गाइज मेरे जाइंट बॉम्ब के द्वारा एंड सारे के सारे डिफेंस मारे गए। सो गाइज यार यही होता है मैक्स आउट बेस का एंड डिसीजन। अगर आप लोग मैक्स आउट बेस रखते हो तो आप लोग का साइंस बहुत ही अच्छा होता है, बाकी आपके बेसिस में बहुत अच्छी। तो फिलहाल यार गाइज आप लोग देख सकते हो एंड आप लोग को कैसा लगा ये अटैक स्ट्रेटजी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैक्स और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।